भारत के प्रत्येक नागरिक को सामान्य तरीके से औषधि उपलब्ध कराए जाने की मंशा को लेकर भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा औषधि केंद्र के नाम से एक आरोग्यशाला स्थापित कराई गई। प्रत्येक जनपद में इसको स्थापित करवाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि आवश्यकता उसको हो दवाइयों की, वो उसको सुलभता के साथ उपलब्ध हो जाए, और साथ में मार्केट में जो भी रेट से दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं उससे कम शुल्क पर इन केंद्रों पर दवाई उपलब्ध हो जाए, इसकी मंशा रखी गई थी। और इसके बाद अब हम यहाँ खड़े हुए हैं मथुरा के जिला अस्पताल में, जहाँ पर ये भारत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित है, और यहाँ पर इसके संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी करेंगे कि क्या रहा, अब तक किस प्रकार से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, और लगभग प्रतिदिन कितने मरीज इससे लाभान्वित हो पाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दीपेश कुमार जी। दीपेश जी, इसके स्थापना करने का उद्देश्य तो सभी को मालूम है जी, यहाँ पर जिला अस्पताल में एक केंद्र मौजूद है जी। इस केंद्र से लगभग कितने लोग प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं, कितने दवाई ले पा रहे हैं, और किस तरीके से बाहर के रेटों से कम उपलब्ध हो पाती है? सर, यहाँ पे 300-400 आदमी आ जाता है और लमसम लेता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ के ज़्यादातर यहाँ की दवा नहीं लिखते, वो बाहरी की दवा लिखते हैं। तो 300-400 आदमी आता है, उसके अलावा जो है यहाँ पे सस्ते रेट पास, जैसे 100 रुपये की दवा है वो यहाँ पे 20 रुपये की दवा मिलती है। तो ऐसी 80% आज 80% 70% तो छूट है ही सर जी। इतनी तो छूट देते हैं सरकार। और उसके अलावा सर यहाँ थोड़ा सा सहयोग और मिल जाए तो बहुत अच्छी सेल हो जाए। मतलब सबसे बड़ी आपकी परेशानी यही है कि यहाँ पर चिकित्सक सपोर्ट नहीं करते हैं। सर बिल्कुल, आखिर क्या कारण है? कभी आपने ये बात जानने के लिए कभी CMS से शिकायत करी? सर, मैंने जब मैं आया था तो मैंने साल भर दैनिक जागरण में भी खूब चला है, दैनिक जागरण में भी मेरा मैटर आया था सर, और अमर उजाला में भी मैटर आया, काफ़ी दिनों खूब मैटर चला, उन्होंने खूब निकाला दैनिक जागरण वालों ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ आया। अब देख रहे हैं, कोशिश करते हैं, जाते हैं डॉक्टर पे जाते हैं, रोज़ उनको डिमांड देते हैं, और कुछ अभी दवाइयाँ अभी हमारे यहाँ से अभी आ रही हैं, तो जब पूरी दवाइयाँ हो जाएंगी एक बार फिर जाएंगे उनके पास। हमेशा जाते हैं लेकिन वो उनका जवाब सही तरह हमको मिलता नहीं। अच्छा, जिस उद्देश्य से खोला गया था इसका मतलब वो उद्देश्य भारत सरकार का पूर्ण नहीं हो पा रहा, और सबसे बड़ी इसमें समस्या का कारण बन रहे हैं चिकित्सक जी। जो सरकारी चिकित्सक हैं, जो जिला अस्पताल में चिकित्सक तैनात हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं जी। अच्छा, जब हमने अभी यहाँ देखा तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था नो सेल का, क्या कारण था? वो सर इसलिए लगा देते हैं, जैसे माल नहीं आता तो पब्लिक परेशान करती है, इसलिए नो सेल लगा देते हैं। अब वो जब माल आ जाएगा तो नो सेल वाला। अभी इस केंद्र पर माल नहीं है, लेकिन 30% है, 70% नहीं है, उसके लिए परसों मेरे पास माल आ जाएगा पूरा। सबके बाद में फिर वही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक, जिन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, साथ ही सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई कि जिला अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा सहयोग न करने के चलते ये केंद्र अब अपनी छवि खोते जा रहे हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर के भारत सरकार के द्वारा इन केंद्रों की स्थापना कराई गई थी वो उद्देश्य पूर्ण रूप से अपने साकार नहीं हो पा रहे, जिसमें सबसे बड़ी जो सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्याएं जो बन रही हैं, सबसे बड़ा सहयोगात्मक रवैया जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक के द्वारा जब हमने बात की उससे, तो उसने सीधे तौर पर कहा कि जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों का सहयोग न मिलने के कारण से इन केंद्रों की इस तरीके की दशा हो चुकी है। इस केंद्र की दुर्दशा को लेकर के आइए बात करते हैं मथुरा के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से, और जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं जिला अस्पताल के द्वारा की गई हैं, और किस प्रकार से यहाँ आने वाले मरीज लाभान्वित होते हैं उससे? देखिए, इस समय तो हमारे यहाँ ज़्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं, जब नहीं होती हैं तब जन औषधि से लोग लेते हैं, और कई बार हम लोग भी कह देते हैं कि भाई सस्ती दवाएँ मिलेगी, ये दवा वहीं से ले लो जन औषधि से, क्योंकि एक अच्छा पहल है प्रधानमंत्री की तरफ से दवाएँ कम से कम कम दामों पर उपलब्ध हैं, तो जनरली लेते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते नहीं साहब, हमें तो आप अच्छी कंपनी की लिख दी, इधर से लिख दी उधर से, कुछ लोग ऐसे आते हैं तो भाई हमें सबको सेटिस्फाई करना होता है, तो कभी बात एक आध दवा कहने सुनने पे लुबा लिख देते होंगे। वैसे तो मना कर रखा हमने अस्पताल में कि भाई बाहर की दवाएं आप कोई ना लिखें, कोई कितना भी कहे ना लिखें, जो है अस्पताल से उपलब्ध है वहाँ से लें, और नहीं मिलती तो जन औषधि से लें। और जन औषधि केंद्र के संचालक का ये शिकायत है कि स्थानीय जिला अस्पताल के चिकित्सकों का सपोर्ट नहीं मिलता, वो ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। नहीं देखिए, ये बात बाहर वाले भी कह सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। चक्कर क्या है कि इस समय हमारे यहाँ ज़्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं,
तो इसलिए दवाएं बाहर की नहीं लिखी जा रही हैं, या ये कह लीजिए बहुत कम लिखी जा रही हैं। तो बढ़नी चुले कि जब कम बाहर की दवाएं लिखी जाएंगी तो बिकेंगी कम, बिकेंगी कम तो संचालक को तो प्रॉब्लम होगी ना उसमें, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, और सरकार जब दवाएं भेज रही है तो हमें लोगों को देने में क्या अर्थ है? हम लोग पाँच पाँच दिन की दवा लोगों को दे रहे हैं, पूरी मुट्ठी मुट्ठी भर के लोग दवा ले जा रहे हैं, और घर के चार चार लोग आ रहे हैं, सबको दवा मिल रही तो सब बड़े खुश होकर जा रहे हैं। अब चूँकि दवा है तो मजबूरी है कि हमें अस्पताल से ही देना है, जब ख़त्म हो जाती हैं तब ज़रूर फिर जनऔषधि से और बाहर से जहाँ से मरीज चाहता है लेता अपना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक के द्वारा की गई शिकायत और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्यता को लेकर जब हमने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के यहाँ पहुँचे और उनसे जब बात की तो वहाँ पर उपस्थित प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अमिताभ पांडे ने स्पष्ट रूप से इन सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि जब शासन के द्वारा निर्देश पर हमारे ही जिला अस्पताल में सभी दवाइयों की मौजूदगी है तो हम बाहर से आखिर क्यों लिखेंगे, और उसके बाद में यदि कोई मरीज चाहता है कि उसे बाहर की अथवा यहाँ की दवाई चाहिए तो वो स्वेच्छा पर निर्भर करता है और वो ले सकता है। अब देखना ये होगा कि इन सब व्यवस्थाओं के बीच में भारत सरकार के निर्देश पर मरीजों की सुविधा के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की हालत आने वाले समय में कैसी होगी और आखिर इनका संचालन कैसे सुदृढ़ रूप से चल सकेगा, ये आने वाला समय बताएगा। विस्पाण के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पवन आनंद के साथ मोहित चतुर्वेदी।